बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक जो है वो है, हमने डिफरेंस देखना है कि डीएनए और आरएनए में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। ये अक्सर सवाल आता रहता है एग्जाम में, राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में जो आज हम फर्क देखना है, इसको हम थोड़ा पॉइंट्स पे देख लेते हैं। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, डीएनए डबल स्ट्रैंड। जैसा कि हमने आपको डीएनए में पढ़ाया था, डीएनए की तफसील पढ़ी थी, उसमें हमने देखा कि डीएनए की स्ट्रैंड डबल है, डबल स्ट्रैंड का बना हुआ मॉलिक्यूल है। जबकि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। आरएनए की स्ट्रैंड सिंगल होती है, इसका पहला डिफरेंस है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड एंड आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। उसके बाद जो दूसरी बात है, इसमें डीएनए की जो पेंटोज शुगर है, जो इसमें शुगर पाई जाती है, पेंटोज शुगर, वो है डीऑक्सीराइबोस। डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। और जबकि आरएनए की जो शुगर होती है वो राइबोस शुगर होती है, इसकी पेंटोज शुगर वो राइबोज होती है, और इसमें जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन बेसिस की बात करते हैं, नाइट्रोजन बेसिस जो डीएनए में होती हैं वो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये नाइट्रोजन बेसिस होती है। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। जबकि नाइट्रोजन बेसिस एंड आरएनए, आरएनए की नाइट्रोजन बेसिस सेम एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन और यूरैसिल। तो फर्क यहाँ पे किस चीज का है? यहाँ पे डीएनए में थायमिन नाइट्रोजन बेस होती है, जबकि आरएनए में थायमिन नहीं होती बल्कि यूरैसिल होती है। बाकी तीन सेम है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये दोनों में सेम है। थायमिन डीएनए में होती है और यूरैसिल आरएनए में होती है नाइट्रोजन बेस। इसके साथ चौथे पॉइंट की बात कर ले हम, डीएनए का जो फंक्शन है वो है हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल, यानी डीएनए का जो असल काम है वो है वालिदैन से औलाद में इंफॉर्मेशन को मुंतकिल करना। इंफॉर्मेशन, मालूमात, जो वालिदैन वाली बातें औलाद में जाती हैं वो कौन लेके जाता है? डीएनए। इसका ताल्लुक विरासत से है, हेरिडिटरी, हेरिडिशन, ये हेरिडिटरी मटेरियल है। जबकि जो आरएनए है इसका ताल्लुक जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस से है, यानी आरएनए प्रोटीन की तैयारी में हिस्सा लेता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेता है। ये हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी विरासती मालूमात।
वालिदैन से औलाद में मुंतकिल करता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेता है। इसके साथ साथ और पांचवी बात, डीएनए की तैयारी सिंथेसिस को रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए की तैयारी को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। जबकि आरएनए की तैयारी सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ट्रांसक्रिप्शन, द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, और द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, इस प्रोसेस का नाम है रेप्लिकेशन। तो बच्चों यहाँ पे आपको पांच डिफरेंसेस बताए गए हैं, जिसमें पहला हमने डीएनए के बारे में क्या देखा, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जबकि आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। शुगर की बात करते हैं, डीएनए की जो पेंटोज शुगर है उसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज और आरएनए की जो पेंटोज शुगर है उसको कहते हैं राइबोज। बेसिस, तो यहाँ पर बेसिस की बात कर ले तो यहाँ पर जो चार नाइट्रोजन बेसिस हैं उसमें एडिनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थायमिन है, जबकि इसमें जो चार नाइट्रोजन बेसिस हैं वो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरैसिल। डीएनए की जो फंक्शनिंग वर्किंग है वह हेरिडिटरी मटीरियल के तौर पे है, यानी विरासती मालूमात वालिदैन से औलाद में मुंतकिल करना, जबकि आरएनए की जो फंक्शनिंग है वर्किंग है वो है जनाब प्रोटीन की तैयारी, प्रोटीन सिंथेसिस। इसी तरह डीएनए की जो तैयारी होती है उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, नया डीएनए तैयार हो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, जबकि आरएनए की जो तैयारी होती है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये डिफरेंस बताया गया आपको, जो अमूमन क्वेश्चन आ जाता है राइट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो इसमें ये मेन डिफरेंसेस दिखाए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्यारे बच्चों आज हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है, एक छोटा सा टॉपिक है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, इम्पोर्टेंट भी है, अक्सर शॉर्ट में आता रहता है ये। तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं। सबसे पहले जब दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल, जब दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल जो डिफरेंट कैटेगरीज के अलग अलग टाइप के, यानी उनकी टाइप भी टोटली डिफरेंट हो, डिफरेंट कैटेगरीज के हों, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल डिफरेंट कैटेगरीज के, वो जब कंबाइन होते हैं क्या होते हैं, कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस कंबाइन हुआ हुआ मॉलिक्यूल वो कहलाता है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। दोबारा बता देता हूं कि जब दो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाए, दो मुख्तलिफ किस्म, तो इकट्ठे होने के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा वो मॉलिक्यूल कहलाएगा कंजुगेट, यानी जुड़ा हुआ, कंबाइन हुआ हुआ। कंजुगेट का मतलब क्या जान लेंगे, कंबाइन हुआ हुआ मॉलिक्यूल। कंबाइन किसका, दो मुख्तलिफ चीज़ों का, ये दो मुख्तलिफ स्टाइल के मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाए
वो कंबाइन होने के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा तो कॉन्जुगेट बनेगा। अब मिसाल देखेंगे फिर आपको समझ ही समझ आएगा। एग्जाम्पल में हम कार्बोहाइड्रेट जब कंबाइन होता है लिपिड के साथ, अब लिपिड एक अलग मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट एक अलग मॉलिक्यूल है, तो इसके जुड़ने से जो मॉलिक्यूल बनता है कॉन्जुगेट वो कहलाता है ग्लाइको लिपिड। क्या कहलाता है? ग्लाइको लिपिड। ग्लाइको का नाम से जो हम कार्बोहाइड्रेट क्यों देते हैं, ग्लूकोज ग्लाइको, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ही है ना, ग्लाइको लिपिड। अब ग्लाइको लिपिड किससे बना? दो चीजों से, दो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल से, एक कार्बोहाइड्रेट से दूसरा लिपिड से। तो ये ग्लाइको लिपिड इज अ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। इसी तरह दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट कंबाइन होता है इसके साथ प्रोटीन के साथ, तो इससे जो मॉलिक्यूल बनता है वो बनता है ग्लाइको प्रोटीन। क्या बना? ग्लाइको प्रोटीन। आप ग्लाइको का नाम यहाँ किसके लिए ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट के लिए, और ये दूसरा मॉलिक्यूल प्रोटीन है। यानी दो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल कंबाइन हुए और कंबाइन शुदा मॉलिक्यूल जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट। इसी तरह और मिसाल ले लेते हैं, लिपिड कंबाइन होता है प्रोटीन के साथ, लिपिड कंबाइन होता है प्रोटीन के साथ, तो ये लाइपोप्रोटीन बनाता है। आप लाइपोप्रोटीन क्या है? कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। लाइपोप्रोटीन क्या है? हाँ, यानी लिपिड, लाइपो लिपिड के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये प्रोटीन, तो लिपिड और प्रोटीन मिलकर बना रहे लाइपोप्रोटीन, और लाइपोप्रोटीन इज अ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड जब कंबाइन होता है प्रोटीन के साथ तो एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। तो यहाँ न्यूक्लिक एसिड एक अलग टाइप का मॉलिक्यूल है, जो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड ही है, और प्रोटीन एक अलग टाइप का मॉलिक्यूल है, जब ये कंबाइन होते हैं तो न्यूक्लियो प्रोटीन बनता है। जैसा कि न्यूक्लियो प्रोटीन क्रोमोसोम के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसको कहते हैं हिस्टोन। क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। यह हिस्टोन प्रोटीन असल में कौन सी है? न्यूक्लियो प्रोटीन ही है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, कि जब दो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है वो कॉन्जुगेटेड कहलाता है। इसके एग्जांपल मैंने बताई, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलकर ग्लाइको लिपिड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिलकर ग्लाइको प्रोटीन बनाते हैं, लिपिड और प्रोटीन मिलकर लाइपो प्रोटीन बनाते हैं, और इसी तरह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक पढ़े, एक डिफरेंस डीएनए और आरएनए का, और दूसरा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है आरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।